हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल. कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग. सुप्रिया, सुरभि, नीतू, निशिकांत, कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है? प्रीति चल तो रही अच्छी, पर डर बहुत है. डर तो होगा ही, पेपर है, कोई नॉर्मल पेपर नहीं है. अच्छे खासे प्रश्न है, अच्छा खासा कंपटीशन है. सब आ गए? अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ. ठीक है, 2 मिनट में मैं आ रही हूँ. कोई क्लास से जाएगा नहीं, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ. ओके,
हेलो, आवाज आ रही है अब आप सभी को? विक्रम, नीतू, आवाज आ रही है अब? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एनी आइडिया? हिंदी दिवस याद रखिए, जो विश्व हिंदी दिवस है। प्रीति, मैं नहीं दिख रही हूं, एक बार रिज्वाइन कीजिए क्लास को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर। विकल्प ए इज द राइट आंसर। याद रखो, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस मतलब कि 10 जनवरी, और हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शक्ति का उपासक हो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। जो शिव का उपासक हो, शिव का उपासक, ठीक है, उसे हम कहेंगे शैव। ध्यान से प्रश्न पढ़ना। और जो विष्णु का उपासक हो, विष्णु का उपासक हो उसे हम कहेंगे वैष्णव। और जो शक्ति का उपासक हो उसे हम कहेंगे शाक्त। विकल्प बी इज द राइट आंसर। समदर्शी मतलब कि समान सोचने वाला, एक जैसा सोचने वाला हर परिस्थिति में। चलिए प्रश्न है, अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा, बताइए। सुप्रिया, ध्यान से प्रश्न पढ़ो। यहां पर जो पहले जन्म लिया मतलब कि हमारा बड़ा भाई, ठीक है, जो पहले जन्म लिया बड़ा भाई, जिसका जन्म पीछे हुआ वो होगा छोटा भाई। ठीक है, तो बड़ा भाई कहलाता है अग्रज और छोटा भाई कहलाता है अनुज। अनुज और अग्रज वैसे ही बनता है अनुजा और अग्रजा। अनुजा मतलब बड़ी छोटी बहन, अग्रजा मतलब बड़ी बहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, गंगाधर शब्द में कौन सा समास होगा? गंगाधर द्वंद बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधार है, बताइए। देखो यहां पर आपसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना होगा। आरती, गंगाधर किसको बोलते हैं? गंगाधर किसको बोलते हैं? वेरी गुड अर्चना। गंगा को धारण करने वाले, गंगा को किसने धारण किया अपनी जटाओं में? वेरी गुड। तो गंगाधर का समास विग्रह होता है गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव। यहां से कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तो ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई विशेष अर्थ निकलता है। अगर यहां पर लिखा होता गंगा जल, अगर लिखा होता गंगा जल, तब इसको हम कैसे तोड़ते? गंगा का जल, गंगा जल अर्थात गंगा का जल। तो ये गंगा जल हो जाता आपका संबंध तत्पुरुष समास। लेकिन गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, तो दंपत्ति का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? मतलब दंपत्ति लिखा कैसे जाता है, बताइए। दंपत्ति लिखा कैसे जाता है?
दंपत्ति नहीं, दंपति होता है शुद्ध रूप दंपति, और विकल्प ए इज द राइट आंसर, दंपति। दंपति मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा, विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनमानुष। वनमानुष में कौन सा समास है? वनमानुष, पहले समास विग्रह करना फिर आंसर देना, पहले समास विग्रह करो सब। वेरी गुड, वनमानुष तो वन में रहने वाला मनुष्य, तो ये भी एक विशेष अर्थ निकलेगा। वन में रहने वाला, वन का मानुष नहीं होगा नीतू, वन में रहने वाला मनुष्य, तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा, वन में रहने वाला मनुष्य, विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधुदय शब्द में कौन सी संधि होगी? विधुदय, तो सबसे पहले तो आप संधि विच्छेद कीजिए, विधुदय। विधु, यहां पे ध्यान से देखिए, विधु धन उदय। ठीक है, विधु मतलब होता है चंद्रमा, विधु मतलब होता है चंद्रमा, तो यहां से छोटा उ, धन यहां से छोटा उ, और बनेगा बड़ा उ, शब्द होगा विधु दय। अब इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? विधु धन उदय, जब लघु अक्षर साथ आया तब बना दीर्घ अक्षर। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, विकल्प ए। ठीक है, तो देखो यहां पर आपसे एक एक नीतू ने विधि धन उदय किया है, तो यहां पर विधि धन उदय कब होता? जब विधु का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन चूंकि विधु मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, विधु मतलब होता है चंद्रमा, तो आंसर क्या हो जाएगा? विधु धन उदय मतलब चंद्रमा का उदय, और दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु में प्रयुक्त संधि कौन सी है? भारतेंदु विसर्ग स्वर व्यंजन इनमें से कोई नहीं, बताइए। भारतेंदु, मैम जी, मैम एक बात बताए, जो पीपीएससी का एग्जाम नहीं देता है उसका भी एक चांसेस जाएगा क्या? अभिषेक राजपूत, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुआ है, तो इसके बारे में मुझे कोई, अगर आप वो बीपीएससी की बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहे हो, अगर बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो, हाँ मैंने बताया ना यहाँ पर गलती है, विधुदय ऐसे लिखा जाएगा, गलती गलती है यहाँ पर, विधुदय ऐसे लिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु में प्रयुक्त संधि का नाम, भारतेंदु, भारतेंदु मैं प्रयुक्त संधि का नाम,
ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत धन इंदु, ठीक है, यहां से आ धन, यहां से ई, बताइए ये संधि का नाम सबको बताना होगा। स्वर का कौन सा भेद है, स्वर संधि का कौन सा भेद है बताइए। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। तो यहां पर जब आ के बाद ई आता है तब ए बनता है, ये नियम है आपका गुण स्वर संधि का। किसका? गुण स्वर संधि, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण बताइए। महोष्ण का सही संधि विच्छेद, महा धन उष्ण, ठीक है, अब यहां से आ धन उ बनेगा ओ, और ये नियम भी हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि का, ये नियम भी आपका गुण स्वर संधि का ही है, गुड़स्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह शोक हास रति, वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा? वीर बुंदे लेहर बोलो के मोए, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शोक है करुण रस का स्थाई भाव, हास्य है हास्य रस का स्थाई भाव, रति है श्रृंगार का स्थाई भाव, रति श्रृंगार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता उसे हम क्या कहेंगे? कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता, संविदा ठेकेदारी कर्मठता काम, बताइए। जब हम कुछ खास शर्तों पर काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं संविदा, विकल्प ए संविदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, निर्वासित मूल शब्द को पहचानेंगे, निर्वास और इत प्रत्यय, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं याद रखिएगा हमेशा। नीतू पांडे ने दिया है सित प्रत्यय, तो नीतू मैंने आपको क्या बताया है कई बार कि पहले मूल शब्द पहचानो, तो निर्वास होता है मूल शब्द और उसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, सित तो कोई प्रत्यय है ही नहीं, इत होता है प्रत्यय, इत होता है इक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताइए। अनुज का स्त्रीवाचक क्या होगा? कोई बात नहीं, डोंट बी सॉरी, अनुज का स्त्रीवाचक हो जाएगा अनुजा, विकल्प बी इज द राइट आंसर, अनुजा, ठीक है। और अनुजा मतलब क्या होगा? छोटी बहन। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर लिखा हो तनुजा, अगर लिखा हो तनुजा, तो तनुजा मतलब होता है पुत्री, अनुजा मतलब छोटी बहन और तनुजा मतलब होता है पुत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु आ कु नी, बताइए।
स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताइए, सभी को जवाब देना है। स्पर्श का क्या हो जाएगा? अस्पर्श। अस्पर्श आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगम का विलोम, सुगम, सुगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम या दुर्गम? सुगम, सुगम का विलोम हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। चंचल का हो जाएगा शांत। चलिए आप लोग जो अन्य विषय है उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, प्रॉपर क्लासेस चल रही है आप लोगों की, बाकी सब्जेक्ट की, रीजनिंग हिंदी, रीजनिंग इंग्लिश, मैथ्स, जीके जीएस, साइंस, बाकी सब सही चल रहा है? कनिष्का, और आपकी तैयारी सही चल रही है? रिवीजन कर रहे हो ना, क्लासेस के भरोसे नहीं रहना है, एंड ऑफ द टाइम आपको खुद से ही रिवीजन करना है। ठीक है, अगम मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। ठीक है, अच्छा आज से कोई क्लास नहीं है, चलिए मेरी अभी चलेगी। फुल रिवीजन चल रहा है, देखो क्लासेस के भरोसे नहीं बैठना है, रिवीजन करो, और जो टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़े उनको मत पढ़ो, नया कुछ भी नहीं पढ़ेगा कोई भी, नया पढ़ोगे तो जो नया तो जाएगा ही जाएगा, पुराना भी जाएगा, तो कोशिश करो कुछ भी नया ना पढ़ो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वक्त क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है, क्योंकि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में बारिश और धूप के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप लोगों को अपना विशेष तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, और जो फूड है बहुत ही अच्छा फूड लेना, ठीक है, वाटर ज्यादा लेना, कोई भी डिहाइड्रेट ना हो पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फूड जो है उसको उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर देना। कम कर दोगे तो नींद नहीं आएगी, अगर फूड ज्यादा ले लोगे तो नींद आएगी, तो कुछ जो बेसिक सी चीजें अभी उनको 3-4 दिन के लिए बिल्कुल अवॉइड कर देना। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, जुल्म मतलब तो अत्याचार होता है ना, जुल्म मतलब अत्याचार होता है राहुल, अतिधनाचार अत्याचार, दुराचार मतलब होता है बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार होता है दुराचार, और अत्याचार मतलब होता है जुल्म, विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, उपकार, बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, विकल्प डी इज द राइट आंसर। ए कौन कह रहा है, प्रीति और रंजना, ए क्यों कह रही हो, लाभ उपसर्ग थोड़ी है, लाभ तो मूल शब्द है, मूल शब्द लाभ का अर्थ निकल रहा है, लाभ प्रॉफिट, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है वो मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा पहचानिए, दिल्ली लड़का, मोहन बिवारी, जातिवाचक संज्ञा। स्पीड बढ़ा आंसर देने की, टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक, बीमारी हो जाएगा भाव, और लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्वंद्व, बहु, तत्पुरुष, बताइए सुपुरुष शब्द में कौन सा समास होगा? सभी को जवाब देना होगा। सुपुरुष,
एक सेकंड, ये बदल कैसे गया? सुपुरुष बताना था, वेरी गुड, सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष, हम विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। यहां पर आपको विशेषण के साथ साथ ये भी, उसके उपसर्ग के साथ साथ ये भी पहचानना है कि क्या वो शब्द कोई विशेषण तो नहीं है। सुपुरुष का पुरुष, अब यहां पर मैं लिख दूं का पुरुष, ठीक है, तो का पुरुष में जो का है वो है विशेषण, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। तो जब हम विशेषता और हीनता बताते हैं वहां होता है कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध क्षेत्र में कौन सा समास है? द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष। युद्ध क्षेत्र बताइए, युद्ध क्षेत्र में कौन सा समास है? युद्ध क्षेत्र, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? युद्ध का क्षेत्र नहीं, युद्ध के लिए क्षेत्र होगा, सॉरी, युद्ध के लिए क्षेत्र, और ये हो जाएगा आपका संप्रदान। कारक चिन्ह याद है सबको? कारक चिन्ह याद है सबको? यस और नो? मुहावरे और लोकोक्ति, या लोकोक्ति पढ़ रहे हो पीडीएफ से? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष पहचानना है, सर्वनाम, सर्वनाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बताइए। आरती, मैंने सारे पीडीएफ दिए हुए हैं आपको, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम, ये सब पीडीएफ दिए, अगर किसी के पास है तो आरती को दे दें प्लीज। यहां पर तू तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष, वह से हो जाएगा अन्य पुरुष, और मैं हम हो जाएगा उत्तम, जो बोलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया उसे हम क्या कहेंगे? पदच्युत, पदभ्रष्ट, अयोग्य, बताइए। जो अपने पद से, अपनी पोस्ट से हटाया गया हो, जिसको निलंबित किया गया हो, उसको क्या कहेंगे? पदच्युत, विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म, विश, गरल, प्राची, नरवाची, लौकिक, अलौकिक, स्थावर, जंगम, बताइए। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? क्या हो जाएगा? विश और गरल, ये पर्यायवाची है, विष और गरल पर्यायवाची है। विष का अपोजिट होता है अमृत, प्राचीन का अर्वाचीन सही है, लौकिक का लौकिक सही है, स्थावर। अब आप लोग एक बताओ, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? ये आंसर तो बहुत बार आप लोग आसानी समझ आने, जहर का क्या हो जाएगा? अमृत, विष मतलब जहर, गरल मतलब जहर, विकल्प ए होना चाहिए। एक ने कहा विकल्प बी, तो सबने विकल्प बी पे ही क्यों टिक किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी कहा जाता है रात को, तद्भव संकर तत्सम देशज, विभावरी जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है उसको हम तत्सम शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन, तद्भव जो हिंदी भाषा का हो, मोह, अग्नि, प्रेम, बैंक, बताइए। जो हिंदी भाषा का शब्द हो, राजू जी, बैंक, विदेशज शब्द है ये, ठीक है। मुख होता है संस्कृत में, संस्कृत में हम कहते हैं मुख, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द और ये हो जाएगा तद्भव शब्द। विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है।
तद्भव शब्द पूछा है तो मुह जो है वो तद्भव होता है, मुख होता है तत्सम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकर शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी, तत्सम, तद्भव, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, बताइए। रात्रि कौन शब्द है? रात्रि जो शब्द है वो भी संस्कृत का शब्द है, वो भी तत्सम शब्द है। रात जो है वो है तद्भव शब्द। रात्रि का ही पर्यायवाची है विभावरी। संकर शब्द, वेरी गुड, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने। ईमानदार, तो ईमानदार में जो ईमान है वो उर्दू भाषा का शब्द है और जो दार है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी प्लस उर्दू मिलके नया शब्द बना, उसको हमने संकर शब्द कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव शब्द, रूढ़ यौगिक योगऋण सबको पता है? रूढ़ यौगिक योगऋण सबको पता है, यस और नो? ठीक है, रूढ़ शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते, नाक, कमल, इनको हम नहीं तोड़ सकते। यौगिक जिनको हम तोड़ सकते हैं और जो से सार्थक अर्थ निकलते हैं, मातृभूमि, मातृधन भूमि, रसोई घर, रसोई धन घर, ठीक है। अंतिम होता है योगरूण शब्द, योगरूण मतलब बहुब्रीही समास, गंगाधर, लंबोदर, ये सभी हो जाएंगे योगरूण शब्द, ठीक है। दर्शन का जो तत्सम है वो हो जाएगा दर्शन, विकल्प ए इज द राइट आंसर, विकल्प ए हो जाएगा, दर्श नहीं दर्शन, ठीक है। और अगर दर्शन जो शब्द है इससे हमारा प्रत्यय भी बनता है, दर्शन से हमारा विशेषण बन गया दर्शनीय, अब हमने इसको अलग अलग किया तो क्या हो जाएगा, दर्शन धन ईय प्रत्यय, क्या बनेगा, ईय प्रत्यय, दर्शनीय, दर्शनीय क्या बन जाएगा, विशेषण, और दर्शन धनी में ईय हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया को खत्म कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ कर दे कौन सी क्रिया कहलाएगी? आरती जी, बताइए। पूर्वकालिक क्रिया, वेरी गुड। मोहन खाकर सो गया। चलिए पंकज मैम, स्टेट के फॉर्म में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में क्या लगाना है? पंकज जी नोटिफिकेशन देखिए आप एक बार, नोटिफिकेशन देखिए उसमें क्या क्या मांगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुमूल्य, कीमती, अमूल्य, अमूल्य, विकल्प सी इज द राइट आंसर। आप स्टेट में किस पेपर की तैयारी कर रहे हो सर? पंकज स्टेट का किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर वन या पेपर टू? पेपर वन या पेपर टू? और आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी होगा कोई? बोथ। किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो आप? कंप्यूटर साइंस, अच्छा मैथ से। तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, बस उसमें सर्टिफिकेट तो कोई नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है कौन सी क्रिया होगी? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, पूर्णकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। जब कर्ता स्वयं कामना करके किसी दूसरे से करवाए तो वो प्रेरणार्थक होगी। नेक्स्ट, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं?
क्रिया विशेषण विशेष्य प्राविशेषण उपमान। उसे हम विशेष्य कहेंगे ना जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। नेक्स्ट, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, सूर्य का स्त्रीलिंग कवि का, विद्वान का, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या आ जाएगा? सूर्या। विकल्प है, सूर्य से बनेगा सूर्या। चलिए, किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे? कोई डाउट? एनी डाउट? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, वचन, काल, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, रस। हम लोग हर एक टॉपिक क्रिया, शब्द भेद, वर्णमाला, हर एक टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम जी, अलंकार में कौन से अलंकार में प्रॉब्लम है? अलंकार की 2-3 क्लासेस हुई हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, कौन से अलंकार में प्रॉब्लम है? रस तो बहुत आसान है, रस के 4 अंग होते हैं, इतना याद रखो। स्थाई भाव के नाम याद रखो, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, जुगुप्सा का विवश, ये जो स्थाई भाव है इनको याद रखो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। काजल, लोकोक्ति जो आप याद रखो, 2 बजे जो यूट्यूब सेशन है उसमें भी आना है, ठीक है? और ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार के शब्द आते हैं बुढ़ापा, तो इन शब्दों का कोई एक वाक्य बना लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संज्ञा होगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? अवस्था है, और सभी अवस्थाएं आपकी भाव में आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आंसू का बहुवचन, आंसू, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, बताइए। आंसू ही रहेगा, क्योंकि ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका वचन परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल का तत्सम, कोयल का तत्सम शब्द, कोकिल, कोकिला, कंठ, कोयल, सभी, बताइए कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? कोयल का हो जाएगा कोकिल, विकल्प ए इज द राइट आंसर, कोकिल। नेक्स्ट, तिलक का तद्भव शब्द, तिलक, टीका, बिंदी, तिलक, भाल, तिलक का तद्भव शब्द, टीका हो जाएगा, ठीक है? भाल मतलब होता है मस्तक, माथा। अपादान कारक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, अपादान कारक, देखो, मोहन के द्वारा अब सहा नहीं जाता, चाकू के द्वारा फल काटा जाता है, राम ने रावण को तीर के द्वारा, तीर की सहायता से मारा, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, ये अलगाव है, तो ये हो जाएगा अपादान, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। सुंदर क्या है? विशेषण है। के लिए किस कारक का चिन्ह? के लिए, संप्रदान, अपादान, कर्म, संबंध। 2 बजे वाले सेशन में आना, आज मैं उससे कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुहावरे और लोकोक्ति करा दूं, ठीक है?
के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं अधिकरण। वेरी गुड। चलिए अब मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूं। अब किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछो, आराम से रिलैक्स रहो, बिल्कुल भी नर्वस मत हो। नर्वस होगे, घबराओगे और चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, सोचो एक पेपर दे रहे हो, अगर तैयारी करी है तो डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए, ये है आपका पीडीएफ। मिला सबको पीडीएफ? पीडीएफ मिल गया सबको? पीडीएफ मिला? आरती, आपके पास मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक है? काजल, मोस्ट वेलकम। अच्छे से पढ़िए, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन था हमारा यहीं तक, ठीक है? मिलेंगे हम दोपहर 2 बजे यूट्यूब सेशन पर। एक बार मैं देख लूं कि हमारी क्लास कल है या नहीं। एक मिनट, कल हमारी क्लास है या नहीं? कल हमारी क्लास नहीं है। एक मिनट, 23 तारीख को हिंदी का है ना हमारी क्लास, ठीक है? कल हमारी फिर से क्लास होगी, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कल और लास्ट में एक बार अच्छे से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? समझ, आवाज आ रही है ना मेरी? कल और लास्ट क्लास होगी, उसके बाद तो आप लोग पेपर देने चले जाएंगे। चलिए, आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए आप सभी अपना, आपके पास एक फीडबैक का फॉर्म आएगा तो टीचर को भी रेटिंग दो और कंटेंट को भी दिया करो। टीचर ही बनाता है कंटेंट, ठीक है? तो टीचर को भी रेटिंग दो, कंटेंट को भी दो और ऐप को भी। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।